लेट्स गो भाई, क्या ही तगड़ी चीज बना दी अपन ने ये। ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ संकन लैंड। तो गाइज, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने कुछ नए नए एरियाज को एक्सप्लोर किया था, जैसे कि आयरन हेलमेट बेस और एश बॉन्ड आउट पोस्ट। तो गाइज यार, आज हम लोग इन पे लूट मारने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आप सभी को कुछ नया जो है अपडेट देने वाला हूँ यहाँ पर, कि हम लोग इस बेस से जो है अपनी जगह चेंज करने वाले हैं, लाइक हमारे बेस की लोकेशन चेंज करने वाले हैं। और ये वाला बेस मैं धीरे धीरे करके जो है तोड़ रहा हूँ। एक्चुअली मैंने काफ़ी ज़्यादा ही तोड़ दिया है, तुम लोग देख सकते हो, ये पूरा का पूरा मैंने तोड़ दिया। ऊपर का जनरेटर वगैरह सब कुछ यहाँ से हटा दिया है। एंड गेस व्हाट, आई नो तुम लोग सोच रहे होगे कि प्यार भाई तुमने बेस कहाँ बना दिया, क्या कर दिया ये वो। सो गाइज लुक एट दैट, मैंने काफ़ी छोटा बेस बनाया क्योंकि ये वाला ना मेरे को लग रहा है कि गेम जो है थोड़ा सा लैग हो रहा था उसकी वजह से। बट या लुक एट दैट, वहाँ पे एक मोटल लिखा हुआ है, ठीक है, एंड ट्रेडिंग सेंटर को ही मैंने हमारे बेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो गाइज या मैंने यहाँ से अभी जो है सारा सामान वगैरह शिफ्ट किया नहीं है, बस मैंने जो चीज़ें वगैरह थी काफ़ी रिसोर्सेज वगैरह सब हटा दिया, यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। एंड या आज मैं जो है आप सभी को अपना नया बेस दिखाने वाला हूँ कि उसके अंदर मैंने क्या क्या काम किया है। ये है हमारी एंट्री जहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी लगा दी है, और यहाँ से आने के बाद में एक पेड़ है जो मेरे को हर बार मिलेगा, अनलिमिटेड है भाई ये तो, क्योंकि ये पेड़ जो है ना कट करने के बाद हटता नहीं है भाई, मतलब यहाँ पे मेरे को जो है वुड मिलता ही रहेगा इस जगह पे, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर रिस्पॉन होता रहता है वाला, बट ठीक है। और अभी अपन अंदर जाएंगे, ये मैंने पूरा कवर कर दिया ताकि एनमी जो है कहीं से भी कूद वूद के ऊपर की साइड में ना आए, इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो एक और रास्ता है ऊपर जाने का, सो ये थोड़ा इशू दे सकता था अपने को। यहाँ पर अपन लूटपाट भी कर सकते हैं। और या ये हमारा नीचे का एरिया है, इसके बाद में हमारे यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं अपन इस लड़की से। हेलो आंटी जी, आई मीन दीदी जी, तुमसे मैं क्या लूँ, तुम तो कुछ देते भी नहीं हो मेरे को वैसे, बट या इसके पास वैसे कोई काम का है नहीं। और यहाँ से अपन जाएंगे फिर लेफ्ट में, और यहाँ लिखा है ओपन, और यहाँ से अपन जाएंगे ऊपर, और यहाँ आराम आराम से देखोगे तो यहाँ पे वैसे बल्ब वगैरह लगे हुए हैं ऑलरेडी, मैंने नहीं लगाए ये सब। और यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत जो है सिक्योरिटी के लिए लाइक लगा दिए कि कोई कूद वूद के ना आ जाए यहाँ पे, ठीक है। चलो अभी अपन चलते हैं एकदम ऊपर, और यहाँ पर मैंने अपनी मशीन गन को ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे दो दो मशीन गन हो चुकी है, इसके लिए बस एमो बनानी बाकी है, वो बना दूंगा मैं। और यहाँ पे थोड़े बहुत मैंने ये लगा दिए ताकि थोड़ा सिक्योर रहे बेस, कोई एनिमी वैनिमी अगर गोली वोली चलाए अपने पर तो सेफ रहे अपन। और ये बैरिकेड्स लगा दिए मैंने यहाँ पर, ताकि या अपन यहाँ पे खड़े होकर अगर एनमी को मारने तो यहाँ पे मार भी सकते हैं। और यहाँ पे भी मैंने पूरा सिक्योरली एकदम कर दिया, यहाँ पे एक लैडर लगा दिया है जिसके ऊपर अपन चढ़ के यहाँ से अपन देख सकते हैं कि आखिर कौन कौन से एनमीज नीचे से आ रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसको अपन यहाँ से आराम से पेल सकते हैं, ठीक है। ओपन रखा है ज़्यादा, मैं इसको वो भी नहीं कर रहा। एंड आफ्टर दैट अभी अपन लोग जाएंगे अंदर, और अंदर जाने पे शुरू होता है हमारा बेडरूम। और यहाँ पे जो है मैं सारे रिसोर्सेज वगैरह रखता हूँ, देखो यहाँ पे सारे गैसोलीन रखे हुए हैं, सारे स्क्रैप मेटल वगैरह यहाँ पे भी मैंने रखा नहीं है सारे रिसोर्सेज, लेकिन नीचे मैंने लाइक जो भी नॉर्मल रिसोर्सेज वगैरह लूट कर आएंगे सारा कुछ यहाँ रख देंगे अपन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टीवी लगा दिया है, एक सोफ़ा लगा दिया जहाँ पर अपन आराम से बैठ के जो है टीवी भी देख सकते हैं। और यहाँ पे एक मैंने फायर प्लेस लगा दिया जो कि काफ़ी ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड फिर इसके बाद में अपन जाते हैं ऊपर, स्टेयर्स के ऊपर से आने के बाद में तुम लोगों को दिखेगा यहाँ पे तीन, यहाँ पर तुम्हें खाना बनाने का दिखेगा, फूड कंटेनर दिखेगा, फिर स्टोव है जिसके अंदर अपन काफ़ी सारा खाना बना सकते हैं अलग अलग तरह का, फिर हमारा ये फूड पंप का है जो लाइक आई मीन फूड कह रहा हूँ मैं, पानी का पंप है जिसमें पानी अपन आराम से पी सकते हैं, ठीक है। इसमें एड सी वाटर पर क्लिक करेंगे अपन, ठीक है, और आफ्टर दैट यहाँ पर ड्रिंक वाटर पर करेंगे तो पानी पी लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पर रिसाइकलर, और यहाँ पर हमारा एयर टैंक का, और इसके अंदर मैंने सारे के सारे जो है हमारे ये आयरन इनगट रख दिया क्योंकि हमारे यहाँ पे बनाने में काम आएंगे स्टील इनगट में, ठीक है। और यहाँ पे हमारा रिपेयर स्टेशन है जिससे अपन हमारा आर्मर रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे बैटरी चार्जर लगा दिया लेकिन मैंने अभी तक इसमें वायर कनेक्ट करी नहीं है, ठीक है, वो भी कर दूंगा जल्दी। यहाँ पे टूल बॉक्स है, जो भी सामान वगैरह आएगा बैटरीज वगैरह सब कुछ यहाँ रखना है अपने को। फिर अपन जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पर मैंने सारे सारे जनरेटर्स लगा दिए, इनको करूँगा अभी लाइक कनेक्ट करूँगा, इनको रिफ़िल भी करना है, अभी टाइम लगेगा इन सब चीज़ों में। और फिर जाते हैं अपन और ऊपर जो कि बना हुआ है हमारा ग्लास का, ठीक है। हाँ, ये ग्लास का इसलिए बनाया क्योंकि भाई यहाँ आर पार देखने में काफ़ी प्यारा व्यू लग रहा था, देख रहे हो कितना सही लगता है यहाँ से देखने में, इसलिए। सो या यहाँ पर मैंने हमारे जो सारे के सारे प्लांटर होते हैं ये लगा दिए जिसके अंदर अपन हमारा अनलिमिटेड वुड लगाएंगे जो कि हर वक्त अपने को वुड देता रहेगा। उसके बाद में ये फूड कंटेनर है जिसके अंदर अपन स्ट्रॉबेरी या फिर सीड्स वगैरह जो भी कुछ भी होता है वो रख सकते हैं। और ये कुछ स्टोरेज बॉक्सेस रख दिए इसी तरह से। और यहाँ पे मैं सारे सारे जो अपने आयरन इनगट या कुछ भी मिलेगा, आयरन इनगट कह रहा हूँ मैं, आयरन और या फिर कुछ भी और
तो यहाँ पे उसको रख देंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा ऊपर, जो कि मैंने अभी पूरा किया नहीं है, या फिर मैं सोच रहा हूँ उसको खाली छोड़ दूँ फिलहाल तो, क्योंकि ऊपर तक एनिमी पहुँच नहीं पाएंगे जितना मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ऊपर काफ़ी ओपन रहेगा ना, तो अच्छा भी लगेगा देखने में, और यहाँ से अपन स्नाइपिंग कर करके एनिमीज को मार भी सकते हैं आराम से। चलो उसके बाद में यहाँ पर आती है हमारी रिसर्च टेबल, जिसके अंदर अपन ने सारे लेवल पार कर दिए ऑलरेडी, और यह है हमारा यहाँ पे फ्यूल वगैरह बनाने के लिए वुड डालनी पड़ेगी इसके अंदर ना, फ्यूल डाल दिया है। और ये बैरल वगैरह है, स्टोरेज बॉक्स वगैरह रख दिए। यहाँ पर एनविल है जिसके अंदर अपन कुल्हाड़ी वगैरह बना सकते हैं, जो कि अभी ज़रूरत है नहीं हमारे पास ऑलरेडी है। ये है हमारी गन वर्कशॉप, जिसके अंदर कुछ न्यू गन्स भी ऐड हुई है, आई थिंक PM वाली गन ऐड हुई है, नहीं और LW59 ऐड हुई है, और ये SMG ऐड हुई है नई वाली, ठीक है। और उसके बाद में आता है हमारा आर्मर, आर्मर हमने सारा कुछ ऑलरेडी बना लिया है, पर ये हमारे सारे के सारे आर्मर की वर्कशॉप हैं। फिर आती है हमारी एमो की वर्कशॉप, जिसके अंदर आज हम लोग 50 कैल एमो बनाने वाले, क्योंकि यहाँ अपने को मशीन गन में ट्राई करनी है एक बार। और यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत स्टोरेज स्टोरेज बॉक्सेज और टूल बॉक्सेज रख दिए हैं, जिसमें अपन सारी की सारी एमो या कुछ भी रिसोर्स होगा वो रख देंगे अपन, ठीक है। ये है हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट बेस, जो कि छोटे से छोटा ही मैंने इसलिए बनाया, क्योंकि भाई बड़े वाले वेस में ना मेरे को बार बार इधर से उधर जाना पड़ रहा था, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसको जो हटा दिया यहाँ से, और अपन यहाँ से नीचे कूद सकते हैं आराम से। चलो अभी अपन यहाँ आ चुके हैं, एंड इट्स नॉट बैड टाइम अभी तो, ठीक है। अभी सुबह के 8 हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये काम करते हैं, अपन एमो बनाते हैं। एमो के लिए एक सेकंड रुको, मैंने अपने काफ़ी सारे रिसोर्सेज जो था मैंने वहीं पर रखा हुआ है, और अलार्म वाला भी मेरे को भी सेट करना है, लेकिन रुक जाओ करते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ, मेन डोर अपने को बंद रखना पड़ेगा ताकि एनिमीज वगैरह अंदर ना घुसे, ठीक है। चलो अभी अंदर चलते हैं यहाँ पर हमारे दूसरे वाले बेस पे, और यहाँ से जो है अपने को सारा रिसोर्सेज वगैरह भी लेकर जाना है, लेकिन उससे पहले अपने को जो है सारे यहाँ पे जो कल नई जगहें अपन ने एक्सप्लोर करी थी वो वाली जगहों पर जाएंगे, और थोड़ा जो है लूट पाट करके आएंगे, ठीक है। यहाँ देखने तो ज़रा हमारे काफ़ी सारे सामान पड़े हुए हैं, ये वो है जो मैं यूज़ नहीं करने वाला, लेकिन यहाँ पे ये बैंडेजेस निकाल लेता हूँ, ब्रशेस निकाल लेता हूँ, लगा देंगे वहाँ पे। और मैंने थोड़ा बहुत खाना निकाल लिया, लेकिन एक सेकंड गाइस, मेरी ना यहाँ पे मेरे को कुछ चीज़ें नहीं मिल रही है। वेट, मेरी शॉटगन की एमो है यहाँ पर, मेरा रिसोर्सेज कहाँ चला गया, आई लिटरली फॉरगॉट मैंने कहाँ रख दिया भाई अपनी चीज़ों को। वेट, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे मैंने सारा रिसोर्सेज वगैरह लेकर आ चुका हूँ, और फिर रबर गैसोलीन, मेरी काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग लग रही है मेरे को, लेकिन हाँ ये निकाल लेता हूँ क्योंकि अपने को बनानी है अभी, और देखना तो क्या क्या लगने वाला है इसके लिए। कॉपर चाहिए, कॉपर इनगट, यार कॉपर इनगट चाहिए 3, और मेरे पे 3 कॉपर इनगट है नहीं शायद से, यप आई डोंट हैव इनफ कॉपर इनगट, पर मैं बना सकता हूँ, मेरे पे रखे हुए हैं शायद से बाहर तो, पर ठीक है और रखे हुए हैं, मैं बना लूँगा बाद में। एक सेकंड रुको ज़रा ना, एक काम करता हूँ मैं पहले जाके, मेरे ना शायद से मेरा सामान आधा मिल नहीं रहा मेरे को, मे बी मैंने शायद से घर में रख दिया है। ओके, तो मेरा सारा सामान इस वाले बेस के अंदर रखा हुआ तो मैंने निकाल लिया है, और गाइस अभी मैं थोड़ा खाना खा लेता हूँ, और पानी के लिए सोडा पी लेते हैं, ठीक है। और मेरे को, अरे यार कॉपर इनगट चाहिए रहेगा ना, तो एक काम करता हूँ मैं फिलहाल के लिए अपने जो आइटम्स वगैरह है ना जो मैं एक्स्ट्रा लेकर आया उनको रख देता हूँ, ठीक है। ये वाली चीज़ें रख देता हूँ, और हमारे जो रिसोर्सेज है वुड वाला उसको मैं यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ फटाफट से, ताकि यहाँ पे ग्रो होता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं अपने को, ठीक है। चलो अब ये काम करते हैं, अपन निकलते हैं, और अपने को जाना है एशबॉर्न आउटपोस्ट पे, और साथ ही साथ मेरे को जो है हेलमेट वाले बेस पे भी जाना है, क्योंकि आज होने वाली है तबाही, क्योंकि बहुत ही खतरनाक एनिमीज अपने को आज मिलने वाले हैं बॉयज। तो लेट्स गो, एंड मैं अपना जो बेस है उसको बंद करके जाऊंगा भाई, बंद कर दे। और या एक सेकंड, अपने को जो है फ्लैग भी बनाना है, फ्लैग के लिए वुड प्लैंक चाहिए और क्लोथ चाहिए, तो क्लोथ और वुड प्लैंक तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपन फ्लैग्स वगैरह लगा के भी ना ट्राई करेंगे कि आखिर कैसा लगेगा मैप में, शायद से आइकन वगैरह चेंज होगा कि नहीं होगा, वो भी देखना है मेरे को, टेस्ट करना है एक बार। यहाँ से मैं ज़रा सारे सारे प्लैंक निकाल लूँ, और वी नीड क्लोथ्स एज वेल, सो कपड़ा भी यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है। एंड इसमें कौन सी वाली फास्ट है मेरे को पता भी नहीं एक्चुअली, इसमें तेल चलो ज़्यादा, एक काम करता हूँ अपन अभी निकलते हैं हमारे इस वाली एरिया में, तो अपने को लेफ्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। हमारा नया बेस मैंने पूरा ना अच्छे से सिक्योर कर दिया भाई, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ना अभी क्या है नीचे की जो चीज़ें हैं ना वो टूटेंगी नहीं, इस साल कहाँ अटक रहा भाई। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, और अपने को जाने का है इस साइड में, ब्रिज पड़ता है, ब्रिज ये रहा, और इसके लेफ्ट में है एशबॉर्न आउटपोस्ट, और इधर है आयरन हेलमेट बॉस। एक काम करते हैं आयरन हेलमेट वाले पे चलते हैं, और जितने भी एनिमीज होंगे ना सिर्फ एनिमीज को मार के आना है, ठीक है।
लूटेंगे नहीं, क्योंकि लूट अब मेरे को लग रहा है शायद सब कुछ अपने को मिल चुका है ऑलरेडी। और हेलीकॉप्टर भी आज अपने को बनाया ना, तो वो भी मैं बनाऊंगा अभी नहीं, लास्ट में एकदम। सो उससे बनाने से पहले अपन जरा लड़ाई करके आते हैं, ठीक है। जो आयरन हेलमेट बॉस है उसको पेल कराएंगे भाई, इसकी ऐसी तैसी बॉस बोल रहा हूँ मैं, बेस है एक्चुअली वो। ओके तो बॉयज वी आर हियर, एंड ये बेस मेरे को भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, ठीक है। थोड़ा देखने दो किधर साइड से अपने को अंदर जाना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ से मैं जा सकता हूँ वैसे तो, पर भाई बहुत खतरनाक बेस लग रहा है देखने में ये। चलो सबसे पहले तो रुको, ये क्या था? ओके ओके, शेडो थी पता नहीं अजीब सी। यहाँ पर अपने को जो है स्नैपिंग करके सबसे पहले तो इनको निकालना है, क्योंकि ये थोड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। लेट्स सी, इसको मैं हेडशॉट मारना चाहूँगा, और ये गया एक, मरा नहीं भाई वो। अरे यार नहीं, मिस नहीं होना चाहिए था। अबे भाई प्लीज़ मर जा, मर नहीं रहा है भाई, कितना हेल्थ है इनका। अबे लिटरली नहीं मरा, तीन गोली मार दी उसको, सीरियसली ब्रो। भाई मेरे को लग रहा है कुछ तो झाग झूक है इस जगह पे, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगने वाला है ये, क्योंकि तीन चार गोली मारने पे भी नहीं मरा भाई वो, तो फिर तो भाई बहुत गंदा मसला है यहाँ पे। रुको साला, इसी टाइम पे शाम होने को होती है क्या? हद होती है यार, मैं इतनी दूर से आया हूँ भैंस के यहाँ, फिर तभी शाम हो जाती है। आई डोंट थिंक इफ आई कैन बिल्ड अ फ्लेम वाला फ्लैग अभी, क्योंकि वेट, जो रिस्की लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे। एक एनिमी दिख गया मेरे को, रुको, और ये क्या, मर नहीं रहे भाई ये लोग, लेकिन कितनी गोली मारू इनको मैं। अरे इसकी भैंस क्या। ऑलराइट, यस, इट्स नॉट दैट इजी बॉयज, वी नीड टू गो बैक। यप, ये वाली जगह बहुत ही ज़्यादा टफ है, तुम लोगों ने देखा नहीं भाई, तीन गोली मार दी ना, उसके बाद भी नहीं मर रहे हैं वो लोग। चलो मैं नहीं आ रहा यहाँ पर लड़ाई करने इनसे, मैं जा रहा हूँ भाई। इनका नाम सुन के मैं समझ गया था भाई, बहुत गलत सीन होने वाला है। और या ऑफ कोर्स, मैं भाई दोबारा बार बार यहाँ आना नहीं चाहता, ठीक है, अपनी सिर्फ लूट लेने के लिए ही बार बार मैं यहाँ परेशान होता रहूँगा लूट लाने के लिए। तो अभी मैं वापस हमारे बेस पे आ चुका हूँ, और ये गाइस ये ना, ये वाली जो बोट है ना बहुत ख़राब है भाई, ये बहुत ज़्यादा तेल भूख रही है भाई फालतू का। मैं देख रहा हूँ कितना जल्दी ख़त्म हो जाता है इसका तेल भाई, मैं नहीं चलाऊँगा इसको, बड़ी बेकार सी है तो। चला खुद भी कार है कसम से, मैं जा रहा हूँ भाई, अभी थोड़ा सोऊंगा यार, आराम करूँगा, ठीक है, सुबह आऊँगा भाई यहाँ पर मैं। कितना अंधेरा हो गया भैंस की, लेकिन सही है ऑलरेडी उजाला हो रखा है यहाँ पे। मेरा बेड कहाँ है, ये रहा, गुड नाइट। अबे इट्स नॉट बैड टाइम, क्या दिखा रहा है पागल है क्या? अरे यार इस जगह पर सो नहीं सकता क्या मैं, क्या सीन है इसके, अलग ही झाक झुक के भाई। अबे भाई मेरे को ना उधर जाना पड़ेगा शायद से, प्रॉबेबली, लेट्स सी। अगर भाई ऑप्शन नहीं आएगा ना, फिर तो बहुत बुरी तरह से लगने वाले मेरे। साला रात को इतना झमेला हो रहा है ना भाई इसका यहाँ, तो साला सोने भी नहीं दे रहा भाई, एक तो चैन की नहीं। अबे यार क्या दिक्कत है इसका, इट्स नॉट बैड टाइम का, उससे इट्स नॉट बैड टाइम दिखा रहा भाई ये। अबे भाई सो जा यार, कुछ ग्लिच व्लिच हो गया क्या इसके अंदर नया? अब यार ये क्या है, सो क्यों नहीं रहा ये? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, यहाँ खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, और खाना खा लेते हैं। चलो अभी मैं ये वाली बोट लेके जा रहा हूँ, ठीक है, आई होप सो ये वाली ज़्यादा बेटर रहे, ठीक है, क्योंकि भैंस की उसने तो, यार ये वाली ज़्यादा तेज़ है मेरे को ऐसे लग रहा है, फीलिंग आ गई ऐसे समझ गया मैं इसको देखकर। चलो अभी निकलते हैं, एंड ऑफ कोर्स ये थोड़ी बहुत जो तेज़ है, ज़्यादा भी नहीं थोड़ी बहुत ही है बस, 140 की स्पीड है इसकी बस, ठीक है। वैसे भाई स्विफ्ट पे स्विफ्ट दबा रहा हूँ, 200 तक नहीं जाती है, ठीक है, कोई बोल रहा था 200 तक जाती है, लेकिन तू अभी तेल कितना ज़्यादा फूक रही है भाई, ये तेल कुछ ज़्यादा भूख रही है भाई। चलो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, निकलते हैं सीधे एकदम। मैं क्योंकि देखो भाई आयरन हेलमेट वाला तो बस रहने दो, ठीक है, और या अभी अपन हेलीकॉप्टर वाला ट्राई करते हैं भाई। ये वाली जगह तो देखने में भी बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही है, सेफ भी है इस जगह पर जाना मेरा, सोच रहा हूँ मैं तो भाई। और यहाँ अगर ज़्यादा एनिमीज हुए तो भाई सीन बैठ जाएगा अपन नीचे। अरे यार नीचे से ये रास्ता, तो वैसे क्या मैं उसको मार सकता हूँ यहाँ से? ओके आई कैन डू दैट, बट मुझे लग रहा है कि मेरा सीन बैठने वाला, किधर गया वो? एक सेकंड, इसको मारना पड़ेगा भाई, दिक्कत दे देगा नहीं तो अपने को ये बहुत ज़्यादा। इसकी मैं इसके यहाँ कौन मार रहा है? साढ़े ये ले, के है के दर्द हो रही से, ये ले साढ़े। अबे छुप रहे हैं भाई ये तो, छुप छुप के खेल रहे हैं। तेरी भैंस यहाँ की, ये ले साढ़े।
मैं मर कैसे नहीं रहा भाई, कितनी गोलियां मारू उसको, मैं मरते ही नहीं है भाई। अरे इसकी भैंस की आंख भाई, ये तो भसड़ में आ गया मैं कहीं। चल तेरे साढ़े ऐसे तैसे तेरी, मर गया कि नहीं मरा? आई होप सो मर गया हो भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत सारे एनिमीज है भाई। अरे भैंस की आंख की, ज़्यादा ही एनिमी है भाई यहाँ तो, गलत ही सीन है यहाँ का तो। ये ले साढ़े तेरी ऐसे की तैसे ले भाई, फेंक दिया इसको तो उल्टा 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 करके। यार यहाँ कुछ ज़्यादा एनिमीज है लेकिन दिक्कत हो रही है। अरे भैंस की, कौन मार रहा उधर से, उधर का दिख जाए ना एक बार। इस साल पता नहीं कहाँ से बचे चार रुपये को, कवर है यहाँ पे, कवर नहीं है जगह पे यार अपने लिए। और रुक जा साढ़े, एक जगह ठहर जा ना, देखो मैं बताऊँ फिर। खाली एक जगह नहीं रुक देख तो। अरे यार कितने सारे एनिमीज हैं यहाँ पे। अरे भैंस की आँख भाई, गोलियाँ हर बार लगती है इनकी। एक सेकंड हील करने दो, हील लाया ना मैं, खा इसको जल्दी से। और दिखा 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 दिखा, कहाँ गया? अबे सालो कहाँ छुप छुप के खेल रहे हो, आओ ना, दिखा सकल दिखा साढ़े, यहाँ किधर गया? आ जा भाई, दो 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 फाइट ले रहे एक साथ में, एक गया भाई। यार क्या सीन है यहाँ का भाई, कसम से झाक झुक है। चल साढ़े तेरी ऐसे की तैसी, इधर आ ले, ये भी ले, ये भी ले। लग कैसे नहीं देखते उसके साला, क्रॉस हेयर भी इतना जीव है ना भाई, दो दो क्रॉस हेयर दे रखे बताऊँ। क्रॉस आ रहा है मेरे कोई तो। अरे इसकी भैंस की आंख भाई, ओ बहुत गंदा मार दिया यार। यार लेकिन कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं हो गए ये लोग, 124 डे चल रहे हैं। साला चिल्ला रहा है, यो आ रहा हूँ रुक जा बता दूँ तेरे को मैं। साला दिमाग ख़राब कर दिया भैंस की, किधर मरा था मैं? एक मिनट गाइस, मेरी इन्वेंटरी बोल रही, जाता हूँ रुको लेकर आता हूँ भाई। ओके अभी मैं वापस पहुँच चुका हूँ, लेकिन ये एनिमी भाई तीन तीन आ गए यहाँ तो, सीन हो गया बॉयज़, तीन तीन आ गए। एक यार शॉर्ट करना दिक्कत ही है। अरे तुम्हारी भैंस की आँख, चल साढ़े निकल। अरे यार प्रॉब्लम है, शॉर्ट गन है सालों के पास। तुम्हारी भैंस की सालो, मुझे घनी देर होगी, रुक जाओ कुछ तो दे दे भाई, कुछ काम की चीज़ ना आएगी तुम्हारे पास। आ जा 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 आ जा, वहाँ ना साढ़े आ भाई, मेरे को डर लग रहा है इन लोगों से, कसम से भाई डर लग रहा है। ओए 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 ओए, नहीं नहीं नहीं, अरे यार नहीं भाई। ओके आओ बेटा, कौन था? आजा साढ़े आजा, तेरी ऐसे की तैसे, आना साले आ। शॉटगन वाला प्रॉब्लम करेगा, बस शॉटगन वाले को पहले पहलना है मेरे को। ये ले साढ़े तेरी ऐसे की तैसी, एक गोली में मरते भी तो नहीं है ना, दिक्कत ही हो रही है। एक तो पहले एक गोली मर जाते थे, शॉटगन वाला पता नहीं कहाँ चला गया। साढ़े तेरी ऐसे की तैसी, साढ़े आजा आ गया स्वाद। चलो दिमाग ख़राब कर रहा था, वो नई वाली SMG मिल गई अपने को। लाल सामान दे उठा ले। रुक जा थोड़ी देर रुक जा, बताता हूँ सालों, रुक जाओ हील करने दो, खाना पीने करने दो, सब कुछ बता दो मेरे को। मैं ये ले बेटे, अभी तुम्हें मैं बताऊँ, रुक जा आ रहा हूँ रुक जाओ। कौन सा है, कौन सा मजा ले रहा है साढ़े? रुक तेरी ऐसे की तैसी, अच्छा लगेगी नहीं यहाँ से। एक जा तू पहले, एक लिपट जाए ना बस, फिर काम हो जाएगा मेरा। एक गया साढ़े, आइयो तेरी ऐसी की तैसी। ये ले, ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, लग क्यों नहीं रही इसके? एक तो एक गया, कौन तू बज रहा है साढ़े तेरा, तेरी ऐसी की तैसी। अरे भैंस की बहुत गंदा मारा इसने अभी, वो शॉटगन वाला कहाँ चला गया जिसने मेरे को मारा था? तेरी भैंस की आँख साढ़े, मर क्यों से नहीं रहा है? कितनी गोलियाँ मारूँ उसको मैं, इतनी है क्या ये? हला एक मिनट देखने दो। अरे भैंस की आँख, कोई तो बचा है। ओ कितने हैं यार, एक मिनट हील कर जल्दी से, हील कर भाई प्लीज़ हील कर। लबैंडेज वैंडेज जो चाहिए लगा ले। कौन सा है इसकी ऐसी की तैसी, कहाँ छुप के खेल रहे हैं ये? अरे अच्छा दिख गया। अरे इसकी भैंस की आँख साढ़े, ले ले
अरे लग जा, गोली गोलियों खत्म होगी, गोलियों खत्म होगी, गोलियों खत्म होगी। ये ले, यहाँ से तो लगेगी भी नहीं यार। अब कैसे हो? बीच रास्ते में ना इसके एक तो मोटर भी ख़त्म हो गई भाई ऐसे टाइम पे, कसम से वही हद होती है। रुको गाइस, आई थिंक दो तीन एनिमीज और बचे हैं और आई थिंक काम हो जाएगा इसके बाद अपना। मेरी ना एक तो यार राइफल की एमओ भी नहीं मिली मेरे को अपने बेस पे। उसकी भैंस की साढ़े घनी देर होगी तो ना मारे जा रहा था ना घनी देर से। ये भी साढ़े तेरी ऐसे तैसे लिपट गया ना, आ गया मज़ा। हाल तुम मारे जा रहा था भैंस की इतनी देर से यार। गोली बर्बाद मत कर भाई। खाना पीना भाई ये भी ख़त्म हो रहा है मेरे घर पे, खाना वाना सब कुछ। एक और था यहाँ पे वैसे जितना मुझे याद है, क्योंकि वो भी मारे जा रहा था साला मेरे को। दोनों मिलके मारे जा रहे थे। देखा 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 दिखा 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 साढ़े तेरी ऐसे के तैसे घनी देर होगी तो जाए मारे जा रहा है साढ़े वहाँ छुप छुप के मारे जा रहे छुप छुप के घनी देर से। हाँ शकल दिखा साढ़े तेरी मैं ऐसे यहाँ। ये ले साढ़े, अरे यार क्या गंदा है मैं भाई मेरा। छी भाई तेरी भैंस की आँख साढ़े। ये चल निकल साढ़े, मर कैसे नहीं रहा ये। एक तो इतनी गोली मार दी उसके बाद भी दिमाग खराब ही करे जा रहे कती। ओके यहाँ से कंपोनेंट वगैरह निकाल लेते हैं और लेट्स सी यहाँ पर क्या निकलेगा इसके अंदर से। स्क्रैप स्क्रैप केमिकल सब्सटेंस। ओके नीचे यहाँ पे, ओके ठीक है यहाँ पे एडवांस पार्ट्स मिल रहा है भाई, वो चाहिए अपने को। या आई रीस्टार्ट एंड डू दैट स्टफ। या ओके ठीक है। आई थिंक ये वाले एनिमीज नहीं अभी भी क्लियर नहीं हुआ, यहाँ पर एनिमीज बचे हुए हैं बॉयज। आई थिंक मे बी देर शुड बी समवन एल्स एज वेल विथ, लेट मी चेक। इससे पहले कोई निकल के मेरे को मारे वहाँ से, इनको मार कर आन दो यार। ऊपर बैठा हुआ कोई ना कोई, तो वो देखो वो बैठा हुआ वहाँ पे। इसकी भैंस की यहाँ लग कैसे नहीं रही, इसके लगी कैसे नहीं भाई। लगी लगी लगी। ओके ये भाई बहुत गंदा मार रहा है यार। ये ऐसे की तैसे साड़े आई हो पाए तेरी भैंस की आँख साड़े। घनी देर होगी चलना भाई, एक ही मरा है अभी, एक और है, एक और एक और है। हीलिंग कहाँ है मेरी? एक मिनट का ही सभी और बच्चे हुए यार, कितने सारे एनिमीज हैं यहाँ पे भाई। ये तो डर लगने लगा है इन लोगों से। जल उठने तो दे भाई, ठंडक पा जा, सबर रख, आ रहा हूँ तेरे लिए भी आ रहा हूँ। किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया? हाँ ना साढ़े यार, दिखा दिखा दिख जा कहाँ है। तेरी भैंस की यहाँ साढ़े घनी देर हो गई है मारे जा रहे हैं। अरे भाई नई वाली गन भी मिल गई। आए हाय ओ चलो हो गया हो गया हो गया, इस जगह का पूरा काम हो चुका है अपना गाइस। ठीक है ये वाला बेस अपना हो चुका है अभी। एमो निकालने दो भाई यहाँ से, और तो कुछ काम का है नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पे खाना पीना मिल गया चलो बढ़िया। और लेट्स सी खाना पीना ढूंढना है भाई अभी मेरे को यहाँ पे। ठीक है और M14 मेरे पे रखी हुई है घर पे, तो मैं नहीं लेके जा रहा इसको। और लेट मी चेक, ये नहीं चाहिए। यहाँ पे मेडिसिन मिल जाएंगी ठीक है। और लेट मी चेक ऊपर क्या क्या है यहाँ पे, और कुछ तो लूटपाट का होगा यार बढ़िया सा, क्योंकि बढ़िया सा मिला नहीं। ओके यहाँ पे एक वॉलेट है, इसको फटाफट से लूटते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या अपने को देखने को मिलता है। भाई कसम से दिमाग ख़राब कर दिया इन लोगों ने, बहुत गंदा मारा। तो ये क्या है लार्ज जनरेटर भाई साहब? अ लार्ज जनरेटर दैट कैन कनेक्ट मोर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड इज मोर मे बी पावर जनरेट, आई मीन कुछ तो अच्छा होगा इसके अंदर। एंड यहाँ पे सिल्वर कॉइन्स है, ब्रोकन मिलिट्री वेस्ट है जो कि नहीं चाहिए मेरे पे, बढ़िया बढ़िया वाले रखे हुए हैं घर पे। और लेट्स सी यहाँ से मेरे को क्या क्या देखने को मिल रहा है। और ये कौन सी जगह है वैसे, क्या नाम है इसका? एश बाउंड आउटपोस्ट। ओके ठीक है, यहाँ तो कुछ है नहीं ढंग का इसके अंदर, देखता कुछ निकल जाएगा। तो फाइनली ब्रो जो मेरे को चाहिए था वो इसने दे दिया। एमो चाहिए थी मेरे को बहुत ज़्यादा ज़ोर से भाई, ख़त्म हो गई मेरी सारी एमो। स्क्रैप नहीं चाहिए, आई हैव अ लॉट ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप नहीं चाहिए, और कुछ है यहाँ पे लूटने लायक? आई डोंट थिंक सो। बढ़िया अपन बनाने वाले फ्लैग, क्योंकि अपने को ट्राई करके देखना फ्लैग आखिर कैसे काम करता है।
ओके ये हम लोगों ने एक्वायर कर लिया अभी, ठीक है। और यस ऊपर लिखा आ रहा है एशबोर्न, ये देखो एशबोर्न आउटपोस्ट संकन लैंडर, ठीक है। चलो अभी एक काम करते हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं और या अभी अपन बनाने वाले हैं क्या, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, लेट्स गो बॉयज, अभी हेलीकॉप्टर बनाएंगे। और या हेलीकॉप्टर से क्या अपन उसके अंदर गोलियां वोलियाँ चला पाएंगे क्या, मज़ा आ जाएगा अगर हेलीकॉप्टर, अगर हेलीकॉप्टर की स्पीड बढ़िया हुई ना भाई, कसम से बता रहा हूँ बहुत मज़ा आ जाएगा फिर तो, फिर मेरे को बोट यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स गो बॉयज, वी आर गोइंग टू बिल्ड अ हेलीकॉप्टर। और हेलीकॉप्टर के लिए यार वैसे आई थिंक उस वाले वाला जो बेस है हमारा नया वाला, उस पर आई थिंक ऊपर हम आराम से लैंड करा पाएंगे उसको, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी बॉयज अपनी, है ना भाई, सही हो जाएगा यार। मेरे पास और ना मेरे पे सारा सामान रखा हुआ है, मैं ऑलरेडी जो है सारा सामान रख के बैठा हुआ हूँ कि भाई अपने को हेलीकॉप्टर बनाना ही है इस न्यू एपिसोड में, तो अपन आज हमारा न्यू हेलीकॉप्टर भी बनाएंगे। और ये हो देखते हैं आखिर कहाँ तक अपन इसको चला सकते हैं, कितना तेल फूकता है भाई पता लगे तब ना, देखते हैं। नेपच्यून न्यूट्रल में अगर वैसे ज़रूरत है नहीं हर जगह पे फ्लैग्स वगैरह लगाने की, जितना मुझे लग रहा है जहाँ मुझे बिल्ड करना होगा वहाँ पे मैं लगा सकता हूँ, समझ रहे हो। अभी चलते हैं यहाँ से और लेट्स गो, वी आर हियर बॉयज। एंड यहाँ पर एक सेकंड, अरे यार मेरा सामान तो उस वाले बेस पर रखा हुआ है, माय बैड गाइस, मैं फटाफट सामान लेकर आता हूँ, इस वाले बेस के ऊपर ही बनाऊंगा उसको हेलीकॉप्टर को, ठीक है। ओके अभी मैं जो है स्क्रैप मेटल चाहिए 30 चाहिए अपने को, आई थिंक इतना इनफ है। और लेट्स गो बॉयज, अभी हमारा सारा सामान तैयार है। एंड क्या मैं अभी सो सकता हूँ, आई थिंक मैं 21 पे ही सो पाऊंगा, तो अपन नए वाले घर पे सो लेंगे अपने। और अपन छत पे बनाने वाले हैं हमारा नया हेलीकॉप्टर, लेट्स गो। कर देते हैं उसके दरवाजे बंद, हो जा भाई दरवाजे बंद कर दे, चलो ठीक है। अभी चलते हैं ऊपर और फ्रीजिंग स्टे नियर फायर, अबे साला अभी भी कोई दिखा रहा है ये घर में, मैंने लाइटें वाइटें सब कुछ लगा दिया व्यस्त, क्या मैं इसके पास रहूँगा तो ठीक रहेगा या ओके ठीक है, और छत पर जाऊँ तो ओके रहेगा सब कुछ, लेट्स सी। यहाँ पर अभी हम लोग बनाने वाले हैं हमारा न्यू हेलीकॉप्टर, लेकिन अच्छा अरे यार कंपोनेंट तो भाई दिख नहीं रहा था, सॉरी माय बैड यार, मैंने देखा नहीं वहाँ पे ना कंपोनेंट्स भी दिखा रहा था, बच गया भाई, दर्द हुआ मेरे को बहुत जोर का ना कि मैं तो गया भाई ख़त्म। ओके चलो मेरा काम हो चुका है कंपोनेंट्स का अभी, और लेट्स गो बॉयज, इसको कर दो बंद, अभी चलते हैं हम सोने के लिए, फिर जाएंगे हेलीकॉप्टर बनाएंगे। यार जितना लेट सोते हैं ना वही प्रॉब्लम है इसके अंदर बस, ये भी ठीक है लेकिन यार इतना रात को लाइक जब मन करे तब सो जाना चाहिए था ना इसको, ये थोड़ा लाइक गलत बात है भाई। एक छत पे बनाऊँ कि यहाँ पे बनाऊँ, छत पे बनाऊँ क्या इसको मैं, रुको एक बार छत पे जाकर आते, मैं बार बार पता नहीं क्यों नीचे आ जाता हूँ, कूदने मज़ा आता है भाई इस जगह से। चलो अभी छत पे चलते हैं और देखते हैं छत पे बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे इसको, लेट्स गो हियर एंड देन देयर वी गो। अरे भाई साहब कितनी ज़्यादा जगह ले रही है, अरे भाई साहब क्यों ही हेलीकॉप्टर है बॉयज, लेट्स गो भाई, क्या ही तगड़ी चीज बना दी अपन ने, ये मस्त लग रहा है भाई, मजाक सट के यार। मैं लेकर आ चुका हूँ तेल और इसके अंदर भरेंगे अपना जो फ्यूल है वो पूरा का पूरा, और इसको चला के देखेंगे ठीक है। और यहाँ पे चेस्ट भी दे रखी है, वो भी काफी ज्यादा बड़ी चेस्ट है भाई, ओ माय गॉड मज़ा आ गया। न्यू वाली गन्स भी है, उनको नेक्स्ट एपिसोड में ट्राई करेंगे अपन ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसको करने वाले गाइस अपन राइड, आर यू गाइस रेडी, ओ भाई साहब लेकिन थोड़ा कैमरे का प्रॉब्लम है यार, लाइक ओ माय गॉड गाइस दिस इज सो गुड ब्रो, लेकिन कैसे चल रहा है ये हेलीकॉप्टर है लियो, एक कसम से समझ नहीं आ रहा मेरे को चल कैसे रहा है ये, अरे भाई साहब वो दूर आ गया मैं ऑलरेडी भाई साहब, इसको चलाना लेकिन थोड़ा हार्ड है भाई, ओके 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 ठीक है लेट्स गो भाई, कितना अजीब लग रहा है लेकिन वो चलाते हुए भाई। ओके और अपन जो है एक बार गिरेगा, अगर पानी में गिर गया तो सीन हो जाएगा भाई, मुझे लग रहा है क्रैश तो नहीं होता वैसे, चलो ये चीज़ बढ़िया है, हाँ ये चीज़ बढ़िया है। एक सेकंड थोड़ा रुक जाओ, अच्छा मेरे अच्छा माउस से कंट्रोल करना पड़ेगा इसको ठीक है, समझ रहा हूँ क्या सीन है इसका,
रुक जाओ गाइस, सब क्या ही झाक झुक चल रहा है इसका। अरे 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 लग गए लग गए लग गए लग गए, पलट गया क्या? ओके रुको, इसको चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट होएगा, ठीक है, इसके बाद सीधा चलते हैं। रुको रुको रुको, सीखने तो भाई कैसे चलाना है इसको, या तो ओके ऐसे चलाना है, फिर ऐसे चलेगा, ओके, और ऐसे अगर नीचे खींचता हूँ तो आई थिंक आगे जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ बॉयज, ये कौन सी जगह है? मेटल माइन है तो, ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें ना कैमरा लाइक फ्री मूवमेंट नहीं है भाई, मैप भी नहीं खोल सकता यहाँ पे मैं भाई। हेलीकॉप्टर तो एक नंबर का है, लेकिन ये क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? अरे यार ये तो दिक्कत है भाई, ये तो ओके, ये भी आई थिंक नीचे गिरने वाले अपन। लेट्स गो, ऐसा जाऊंगा भाई मैं। ये क्या है ये? थोड़ा ना दिक्कत ये है कि ना पता नहीं अजीब ही है भाई ये। हो गया हो गया हो गया हो गया, सीधा हो गया, सीधा हो जा सीधा हो जा हो जा सीधा हो जा भाई, कितना टफ है इसको कंट्रोल करना। मेरे को डर इस बात का फट ना जाए भाई कहीं गलती से भी। ओके मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ मेरे को जाना चाहिए, ठीक है, लेट्स गो, आगे कर लेता हूँ पूरा इसको भाई साहब। अपन आज के हमारे इस एनिमीज के बेस पे बॉयज, लेट्स गो। ये थोड़ी प्रॉब्लम है लेकिन, अरे 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 अरे, इसे क्या प्रॉब्लम है ये? साला अजीब ही चल रहा है भाई ये तो। अरे उतर भाई तू इससे, पता नहीं क्या सस्ता हेलीकॉप्टर है भाई ये, साला एनिमीज पेल देंगे मेरे को इतनी देर में भाई, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एक मिनट गाइज, एक मिनट रुक जाओ, कुछ नहीं करने का, थोड़ा आगे मूव करते हैं अभी। अच्छा माउस से इधर उधर जाएगा, ठीक है भाई, मैं तो इसकी राइड करके मस्ती करने वाला हूँ, घूम फिर के आऊँगा पूरा इसके अंदर ना। अरे 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 अरे, एक चीज़ जाननी है मेरे को, अगर मैं पानी के अंदर इसको गिरा देता हूँ बाई चांस, कैन आई राइड इट इन पानी के अंदर? अरे पानी के अंदर भी चला सकता हूँ उसको शायद से मैं भाई, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ये तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है भाई। चलो अभी अपन ही काम करते हैं, अपन निकलते हैं यहाँ से सीधा सीधा, ठीक है। यस वी आर गोइंग बैक एट आवर बेस, क्योंकि भाई ये हेलीकॉप्टर थोड़ा ना है, थोड़ा सस्ता सा हेलीकॉप्टर, क्या कर सकते हैं, पर बढ़िया है यार, लाइक 200 की स्पीड पर चल रहा है, और क्या चाहिए भाई तुमको, राइट? लेकिन हाँ कंट्रोल करने में प्रॉब्लम है। अच्छा आगे कर रहा हूँ तो भाई ये 200 ही नहीं 300 की स्पीड पर आराम से पहुँच जाएगा, 275 की स्पीड भाई, ये तो फास्टेस्ट चीज़ देख रहा हूँ भाई मैं इस गेम के अंदर। ओह माय गॉड इतनी सही है भाई लेकिन ये चीज़। चलो चले अपने बेस पे। अच्छा ज़्यादा फास्ट भी नहीं करना पड़ेगा लेकिन मेरे को ना, ज़्यादा फास्ट कर दूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके आगे रखूँगा तो ठीक है, और अरे पानी में गया मैं, गया पानी में। अच्छा ये भी दिक्कत है भाई इसके अंदर तो, अबे साला कहाँ आ गया मैं, ये क्या हो रहा है ये? आराम से भाई, टर्न लेफ्ट, ठीक है लेफ्ट मुड़ जा भाई पूरा का पूरा। चल यहाँ से सीधा निकलना उधर अभी, चल 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 आगे हो भाई। इसको कंट्रोल करना लेकिन थोड़ा टफ तो है भाई, सीखना पड़ेगा इसको कंट्रोल करना। आगे करता हूँ तो पूरा झुक जाएगा आगे, ठीक है। ओके दैट्स हाउ इट इज़। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, रुकना अगर रोकना हो मेरे को नीचे ही। ओके आगे देखते रहना है, और ओए 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 क्रैश 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 भाई, क्रैश लैंडिंग बोलते हैं इसको। क्या ही हेलीकॉप्टर है भाई ये। चल 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 चल, साला सामने तो हो जा भाई। ओके हो गया हो गया हो गया, ठीक है भाई, इसको कंट्रोल करना कितना टफ है लेकिन कसम से भाई, पूरा टाइम तो हेलीकॉप्टर चलाते रह गया। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, आगे हो जा आगे हो जा आगे हो जा, ओ भाई आगे हो जा, चल 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 उधर चल उधर चल उधर चल, सीधा चल सीधा। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जा डट जा एक जगह पे भाई, इसको कंट्रोल करना बहुत टफ है। इसकी भैंस की पूरा 5 लीटर तेल तो भूख दिया इसने यहीं पे यार, लेकिन इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है। ये एटीट्यूड हो गया ना, लेफ्ट राइट पूरा झुकाने के लिए हो गया, ये आगे पीछे करने का हो गया, ठीक है। ऐसे है ओके,
इससे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये मेरे चेक आई मीन आगे पूरा झुकाने के लिए वैसे है। ठीक है ठीक है ठीक है भाई साहब, इसको कंट्रोल करना लेकिन टफ तो है बॉयज, इट इज़ वेरी टफ टू कंट्रोल दिस प्लेन, बट या वी डिड इट समहाउ। लेट्स गो, मैं पानी में लैंड करा देता हूँ, इससे बेटर इसको। अरे यार कहाँ जा रहा है भाई, अरे 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 डट जा डट जा डट जा डट जा, पता नहीं कहाँ गया, चलो घर में रह गया वो तो। अरे इसकी बहस क्या भाई। चलो गाइज यहाँ पर मैंने हमारे इसको पार्क कर दिया है, ठीक है। एंड गाइज आज के इस एपिसोड को बस इतना ही रखते हैं। आई रियली होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो, अगर मजा आता है नीचे लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।